लेकर हरियाणा सरकार पूरे एक्शन मोड में आ गई है, जिसके तहत पूरे प्रदेश में एडवाइजरी जारी कर दी गई है। सभी जिला उपायुक्तों और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित उच्च अधिकारियों को अस्पतालों में कोरोना वायरस से बचाव के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। समाचार एक्सप्रेस को दिए गए एक एग्जीक्यूटिव इंटरव्यू में करनाल के सिविल सर्जन डॉक्टर अश्विनी आहूजा ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी करके दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना वायरस को प्रारंभ में ही रोक जाने के लिए सभी प्रकार के संसाधन तैयार रखे जाएं। उन्होंने कहा कि करनाल में इस तरह का कोई भी केस अभी तक नहीं आया है, ना ही पूरे हरियाणा में इस तरह के केस आए हैं। उन्होंने कहा कि एडवाइजरी में कहा गया है कि बाहर से आने वाले एवं बिजनेस टूर से विदेश से लौट कर आने वाले व्यक्तियों पर विशेष नजर रखी जाए और उनको जांच के दायरे में लेकर पर्याप्त संसाधनों से जागरूक किया जाए। डॉक्टर अश्विनी आहूजा ने बताया कि जिला करनाल की ओर से अधिकारियों की मीटिंग लेकर आदेश के अनुसार सभी तैयारियां मुकम्मल कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जांच के दायरे में लगभग 108 लोगों के करीब सस्पेक्ट बाहर से आने वालों की सूची उनके पास आई है, जिसमें से 97 लोगों को जांच कर लिस्ट तैयार कर दी गई है, जिसकी रिपोर्ट जल्द ही उच्च अधिकारियों को भेज दी जाएगी। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो हरियाणा में और ना ही भारत में भी अभी तक इस तरह का कोई केस सामने आया है, परंतु फिर भी हरियाणा सरकार एवं भारत सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सचेत कर चुकी है कि इस तरह की कोई भी बात सामने आती है तो उसको तुरंत ठीक किया जाए। हम आपको बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर हरियाणा सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी की दृढ़ता से पालना के लिए मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने मंगलवार सायं इस विषय पर सभी जिलों के उपायुक्तों से वीडियो कॉन्फ्रेंस कर उन्हें रणनीति बनाने को कहा। वीसी में उनके साथ स्वास्थ्य विभाग हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के महानिदेशक पीसी मीणा तथा स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ विभिन्न विभागों के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए समाचार एक्सप्रेस से विशेष बातचीत के दौरान कोरोना वायरस के बारे में डॉक्टर अश्विनी आहूजा ने क्या कुछ कहा, आप भी देखिए। हाँ जी, हरियाणा सरकार द्वारा कोरोना वायरस को लेकर जो एडवाइजरी जारी की गई है, क्या कुछ दिशा निर्देश है, किस तरह जागरूक करेंगे आप लोगों को? हरियाणा सरकार द्वारा कल जो सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के मध्यस्थता में सभी सिविल सर्जनों को और सभी हेल्थ डिपार्टमेंट के फंक्शनरीज को डायरेक्शंस मिली हैं कोरोना वायरस की कंटेनमेंट प्लान स्टेट लेवल से सभी डिस्ट्रिक्ट को सर्कुलेट हुई हैं। उसके अनुसार जो भी प्रिपेयरनेस हमने पहले से की हुई थी उसी की अपडेट करते हुए उसको और जन संसाधनों को अपने लेवल पे पुनः उसको विस्तृत तैयारी करने के बाबत हमने अपनी डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी प्लान बनाकर स्टेट को भी भेज रहे हैं और अपने लेवल पे भी पूरी तैयारी के साथ हम सभी लॉजिस्टिक मास्क और रिक्वायर्ड सैंपल लेने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट आइटम्स हैं सभी के ऑर्डर करके हमने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है और किसी भी लेवल पे हमारे पास अब तक जितने भी हमारे को केस के बारे में विदेशों के टूर के बारे में चाइना से रिटर्न बारे में या इधर उधर से जितनी लिस्टें आई हैं वो 108 लोगों के मतलब विदेश टूर का हमारे को इन्फॉर्मेशन आई थी, जिसमें से 97 को हमने कॉन्टैक्ट करके ट्रेस कर लिया है और सारे एसिम्प्टोमेटिक हैं। 3 पेशेंट आज से पहले जो हमारे पास कल्पना चावला में एडमिट हुए थे उन सारों के सैंपल टेस्ट करा दिए थे, वो नेगेटिव थे। और भी कोई इस टाइप का सस्पेक्टेड पेशेंट आएगा तो उसका सैंपल लेके हम कंसर्न लैब से सेंक्शन करवा के उसका टेस्ट करवा के हम उसके हिसाब से उसकी रिपोर्ट के अनुसार कार्य करेंगे। हम सभी लैब एंड लॉजिस्टिक जो भी रिक्वायरमेंट है इसके कंटेनमेंट प्लान के लिए उसके तहत हम अपने लेवल पे वेल प्रिपेयर्ड हैं। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी और स्टेट लेवल पे भी भेज रहे हैं। तो क्या कुछ आशंका हुई है जो इतनी एडवाइजरी की जरूरत पड़ी? स्टेट लेवल पे कल शाम को 6:15 के बाद एक वीसी रखी गई थी, वो शायद किसी और देशों से आने वाले लोग जो दिल्ली पहले आए थे, दिल्ली के बाद वो उनका पहले टेस्ट टूस्ट कराया गया था जैसा मेरे को उनसे सुनने के उपरांत पता चला। वो उसके लेवल पे कुछ लोग ग्रुप बना के इधर उधर घूमने गए थे तो बाद में उनका एक सैंपल पॉजिटिव आया तो उसको देखते हुए उन्होंने जितने भी लोग उनके साथ गए थे
उन सारों को आइसोलेशन में रख के उनके हिसाब से उनका सैंपल लेके भेज रहे हैं, और यदि किसी को और आगे स्प्रेड हो गया है तो वो और आगे मासेस को स्प्रेड ना करें, किसी पब्लिक गैदरिंग या मीटिंग में या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा आउटिंग ना करें, इस तहत में उनका टेस्ट करवा के जल्दी से जल्दी, ताकि ये आगे फैलाव होने से रोका जा सके। कोई बार से करनाल में आने की तो कोई ऐसी सूचना नहीं? अभी हमारे पास अभी तक करनाल जिला में, जैसा मैंने पहले बताया, 108 लोगों की हमारे पास वो थी, जिसमें हमने 97 को ट्रेस डाउन कर लिया है, वो टोटली एसिम्प्टोमेटिक हैं, और उनमें से बचे हुए हैं जो वो पहले आए थे ऑस्ट्रेलिया से, और वो वापस, उनमें से 4 लोग ऑस्ट्रेलिया चले भी गए, वापसी भी चले गए, बट उनके परिवार का या जो भी हमारे पास जिस रिलेशन में आए थे उनके यहाँ पे सारे टोटली एसिम्प्टोमेटिक हैं, वो हमारे टच में है, हमारे सर्विलेंस में। लोगों से मैं जागरूक करने के लिए लोगों को सबसे पहले मैं यही बात कहूँगा, कोरोना वायरस स्प्रेड होने के लिए जो भी मतलब अपने लेवल पे एहतियात बरते जा सकते हैं वो ये हैं कि हम कहीं पे भी भीड़ भाड़ वाले एरिया में ना जाएं, किसी भी पब्लिक गैदरिंग में जहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं वहाँ पे ना जाएं, पता नहीं कौन किस टाइप का वायरस कैरी कर रहा है, उससे आगे बचाव के लिए यदि हम कहीं जाते हैं तो हैंडशेक ना करें, हम अपने लेवल पे नमस्ते करके उसको किया जा सकता है, और हाय हेलो करके उसके साथ हम अपने कॉन्टैक्ट रखें, जितना हो सके उसके साथ कॉन्टैक्ट मिनिमम से मिनिमम करें। तीसरा मैं ये कहूँगा कि लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए जब भी कोई सिम्टम्स नज़र आते हैं किसी को तो वो जो हमने हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं उन पे कॉन्टैक्ट कर सकता है, हॉस्पिटल में आके अपने लेवल पे बच्चा है तो पीडियाट्रिशियन को, और यदि अडल्ट है तो फिजिशियन को आके हॉस्पिटल में चेकअप करा सकता है, उसके सिम्टम्स के अनुसार डॉक्टर उसको आइसोलेट करेगा, ज़रूरत होगी उसका सैंपल लिया जाएगा, उसको आगे दिल्ली या पुणे लैब में भेज के टेस्ट करवा दिया जाएगा, उसकी तसल्ली की जाएगी, उसके परिवार वालों को भी स्क्रीनिंग कॉन्टैक्ट स्क्रीनिंग की जाएगी, किसी टाइप से किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। सिम्टम्स सिंपल जुकाम खांसी बुखार होने के साथ साथ गले में कोई प्रॉब्लम है, हाई ग्रेड फीवर आना शुरू हो गया उसको ये लगता है, और बाहर की हिस्ट्री ट्रैवल करके आने की हिस्ट्री है, और यदि वो फ्रीक्वेंट बिजनेसमैन है कहीं बाहर इधर उधर जाना पड़ता है तो वो अपनी पूरी हिस्ट्री जरूर बताए, क्योंकि ये इसका फैलाव सिर्फ और सिर्फ कॉन्टैक्ट के बेस पे किया जाना है, अदरवाइज आज से पहले कभी भी जिला करनाल में क्या हरियाणा में भी इस टाइप के कोई केसेस नहीं है, भारत देश में भी इस टाइप का कोई वायरस या एपिडेमिक नहीं हुआ है, ये फर्स्ट टाइम हमारे इंडिया में चाइना से यहाँ, अब जो पिछले दिनों चला था जिन दिनों भी हमने इन्वेस्टिगेट कराए थे तो जो हमने अब तक सैंपल भेजे हैं वो सारे नेगेटिव हैं, हमारे हरियाणा या कंट्री में इस टाइप का अभी तक इससे पहले इस एपिसोड से पहले कभी भी कोई केस नहीं था। तो हम आईईसी के तहत पब्लिक को मैसेज देना चाहते हैं कि चाइना में वुहान एक WHAN एक जगह का नाम है जहाँ पे इस वायरस का, कोरोना वायरस का एपिडेमिक आउटब्रस्ट जो हुआ था वो वुहान डिस्ट्रिक्ट या जो भी प्लेस है वहाँ पे ही हुआ था, और वुहान के नाम से हमने आईसी मटेरियल लोगों की नॉलेज के लिए ये देना चाहते हैं, जिसमें W का मतलब वॉश योर हैंड्स, U का मतलब यूज मास्क प्रॉपरली, जिसको भी जो सस्पेक्टेड हो जाएगा वो अपना फेस मास्क जरूर यूज करें जो सस्पेक्टेड कैटेगरी में आएगा, H का मतलब हैव योर टेम्परेचर चेक्ड रेगुलरली, H का मतलब आप अपना टेम्परेचर रेगुलर चेक करें, हैव योर टेम्परेचर रेगुलरली चेक्ड, A का मतलब अवॉइड लार्ज क्राउड्स, भीड़ भाड़ वाले एरिया में ना जाएं, N का मतलब नेवर टच योर फेस एंड अनक्लीन हैंड्स, डू नॉट ईट फूड विदाउट वॉशिंग योर हैंड्स, आपने खाना भी खाना है तो प्रॉपर हैंड वॉशिंग करके खाना खाएं, किसी के साथ हाथ ना मिलाएं, किसी कंटेक्ट पे
हॉस्पिटल में या किसी भी जगह आप यदि जाते हैं तो वहाँ कंटेक्ट करके आके अपना हैंड वॉशिंग प्रॉपरली करें। हरियाणा सरकार द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके तहत जिला उपायुक्तों एवं जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अस्पतालों में पर्याप्त संसाधन रखें। यहीं करनाल के डॉक्टर अश्विनी आहूजा द्वारा समाचार एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में कहा गया कि करनाल व पूरे हरियाणा में अभी तक कोई भी सस्पेक्टेड केस नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। करनाल प्रशासन की ओर से इसके बचाव के लिए एवं जागरूक करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं। समाचार एक्सप्रेस के लिए सन्नी चौधरी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.